बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज के लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक होगा एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ एमल्जन एंड क्रीम्स। चैप्टर 8 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जिसका जो है नाम है एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग, और हम इसमें डिफरेंट टाइप्स की वो प्रिपरेशंस पढ़ रहे हैं जो हम एक्सटेम्पोरेनियसली प्रिपेयर कर सकते हैं। मीन्स स्मॉल स्केल के ऊपर हम जो हैं फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, डिस्पेंसरी के अंदर बनाई जा सकती हैं ये तमाम चीज़ें। तो उनके डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ हम लोग और बना प्रिपरेशन मेथड्स जो हैं स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर। आज जो हम सीखेंगे उनमें है इंट्रोडक्शन ऑफ एमल्जन, प्रिपरेशन ऑफ कॉड लीवर एमल्जन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रीम्स, प्रिपरेशन ऑफ कॉल्ड क्रीम्स। एमल्जन क्या है? What is emulsion? An emulsion is a mixture of two or more liquids that are normally immiscible. Emulsion के बारे में हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया था। आई थिंक अगर आप लोगों को दोबारा से वो रिवाइज़ करना है तो लेक्चर 3 में हम लोगों ने ये स्टडी किया था, emulsion and creams दोनों साथ ही किए थे, क्योंकि creams भी emulsion ही की एग्जाम्पल हैं इसलिए। लेकिन आज मैं आपको फिर से दोबारा से इसे रिफ़्रेश करवाती हूँ क्या होता है, ताकि हम कॉड लीवर ऑयल एमल्जन के बारे में जब हम की प्रिपरेशन देखें तो आप लोगों को समझ में आ जाए पहले एमल्जन क्या है। व्हाट इज़ एमल्जन? एंड एमल्जन इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स डेट आर नॉर्मली इमिसिबल। जैसे हमने बताया था कि एमल्जन मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स का, जो कि आपस में ना हल पजीर होते हैं, वो आपस में हल नहीं हो सकते, इमिजिबल होते हैं, ब्लाइंड नहीं हो सकते, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकते। इस तरह के लिक्विड्स का मिक्सचर होता है जो कि एक दूसरे में ना हल पजीर होते हैं, इसलिए कहते हैं एन एमल्जन इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स डेट आर नॉर्मली इमिजिबल। दीज इमिजिबल लिक्विड्स आर मेड मिजिबल बाय द एडिशन ऑफ थर्ड सब्सटेंस नोन एज एमल्जन, एमल्सीफाइंग एजेंट, एमल्सीफायर। लेकिन ये जो इमिजिबल लिक्विड है इन्हें मिजिबल बनाया जा सकता है अगर इनमें एक थर्ड सब्सटेंस डाल दिया जाए जिसे एमल्सीफाइंग एजेंट कहते हैं। उस थर्ड एजेंट के जाने की वजह से जो दो ना हल पजीर जो लिक्विड्स हैं, जो ना हल पजीर माया हैं, वो हल पजीर माया में तब्दील हो जाते हैं या मिजिबल लिक्विड्स में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक के अंदर बताया गया एमल्जन में भी डिफाइंड एज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल सिस्टम ऑफ एटलीस्ट टू इमिजिबल लिक्विड फेज, वन ऑफ विच इज़ डिस्पर्स्ड एज अ ग्लोब्यूल्स इन अदर लिक्विड फेज स्टेबलाइज बाय प्रेजेंस ऑफ एमल्सीफाइंग एजेंट। इस ही स्टेटमेंट को यहाँ पे सिंपल करके मैंने बताया है कि एन एमल्जन इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स डेट आर नॉर्मली इमिजिबल, दीज इमिजिबल लिक्विड्स आर मेड मिजिबल बाय द एडिशन ऑफ थर्ड सब्सटेंस। दो ना हल पजीर या इमिजिबल लिक्विड्स को हम जो है एक थर्ड एजेंट डालकर मिक्सअप कर सकते हैं या हल पजीर बना सकते हैं उनको, उसको कहेंगे, उस एजेंट को कहेंगे एमल्सीफाइंग एजेंट। थर्ड एजेंट जो हम डाल रहे हैं जिसकी वजह से ये मिक्सअप हो रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को ऑयल इन वाटर, पानी में जो ऑयल है वो डिसॉल्व नहीं होता, वो हल नहीं होता, वो मिक्सअप नहीं होता। जब भी आप पानी में ऑयल डालेंगे तो होगा क्या कि थोड़ी देर में वो लेयर बना लेगा, आप उसे जितना मर्ज़ी मिक्स करें थोड़ी देर में ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। एमल्जन में भी यही होता है कि एमल्जन इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड डेट आर नॉर्मली इमिजिबल, वो इस तरह के दो लिक्विड्स का मिक्सचर है जो कि आपस में इमिजिबल नहीं है, लाइक ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर भी एमल्जन ही हुआ। लेकिन अगर हम कोई थर्ड सब्सटेंस ऐसा उसमें डाल दें जो उनको मिक्सअप करने का बायस बने, तो होता क्या है, ऑयल ग्लोब्यूल्स की सूरत में, छोटे छोटे कतरों की सूरत के अंदर पानी के अंदर फैल जाता है। जैसे यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है, लिक्विड वन वाटर है, लिक्विड टू यहाँ पे होगा ऑयल, इनको जब आपस में मिलाया जाएगा तो लिक्विड जो टू है उसके ग्लोब्यूल्स वाटर के अंदर फैल जाएंगे। ठीक है, और एक हमें एमल्जन हासिल होगा। ये वैसे लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है डिटेल में, टाइप्स ऑफ एमल्जन में हम लोगों ने पढ़ लिया था, दोबारा रिपीट करवाती हूँ। सिंपल एमल्जन है, मैक्रो एमल्जन कहते हैं, कंटेनिंग वन इंटरनल फेज। इसके अंदर दो टाइप्स हमने पढ़ी, जो मेन जो दो टाइप्स थी जनरल टाइप्स, वो आज हम पढ़ेंगे ऑयल इन वाटर एमल्जन और वाटर इन ऑयल एमल्जन।
ऑयल इन वाटर इमल्जन एंड वाटर इन ऑयल इमल्जन। ऑयल इन वाटर में क्या होगा, ऑयल के जो ग्लोब्यूल्स हैं वो पानी में जो है मिक्स किए जाते हैं, जबकि वाटर इन ऑयल के अंदर वाटर के ग्लोब्यूल्स ऑयल के अंदर किए जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं वाटर इन ऑयल टाइप क्या होता है, विच इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिस्पर्स इन अ कंटिन्यूस ऑयली फेज। वाटर क्या होगा, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर को हम डिस्पर्स कर देंगे कंटिन्यूस ऑयली फेज के अंदर। ये पानी के जो कतरे हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, उसे हम मिक्स करेंगे ऑयल में, और यहाँ पे ऑयल कंटिन्यूस फेज होगा, जबकि पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इंटरनल फेज होंगे। इसकी एक एग्जांपल थी ऑयली क्रीम्स या कोल्ड क्रीम्स, वाटर एंड ऑयल की एग्जांपल हमने पढ़ी थी, कोल्ड क्रीम्स पढ़ी थी या ऑयली क्रीम्स। जबकि ऑयल इन वाटर में क्या होता है, ऑयल इन वाटर में ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वाटर के अंदर डिस्पर्स किए जाते हैं। ऑयल के ड्रॉप्स वाटर में डिस्पर्स किए जाते हैं, राइट। अगर हम स्टेटमेंट में पढ़ते हैं इसे, विच आर कम्पोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डिस्पर्स इन अ कंटिन्यूस एक्वस फेज एक्वस क्रीम। इसकी एग्जांपल होती है एक्वस क्रीम या फिर वैनिशिंग क्रीम्स, मैंने आपको बताई थी। देखिए ऑयल एंड वाटर के अंदर क्या है, ऑयल एंड वाटर के अंदर ब्लू कलर का वाटर है यहाँ पे, और ये जो येलोइश कलर के ड्रॉपलेट्स हैं ये ऑयल को जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे येलो कलर ऑयल है और ब्लू कलर वाटर है। अब ऑयल इन वाटर के अंदर, वाटर के अंदर बारीक बारीक कतरे किसके हैं, ऑयल के हैं, तो ये ऑयल इन वाटर बनेगा। लेकिन अगर वाटर इन ऑयल को देखें तो इसमें ऑयल के अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि कंटिन्यूस फेज के अंदर किस चीज़ के ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर के हैं या ऑयल के हैं। अगर कंटिन्यूस फेज के अंदर ऑयल की ड्रॉपलेट हैं तो दूसरा वाटर होगा लाजम, जो कि ऑयल इन वाटर इमल्जन बनाएगा, जबकि वाटर इन ऑयल के अंदर ऑयल के ड्रॉपलेट्स होंगे वाटर में, ये बनेगा ऑयल इन वाटर इमल्जन। लेकिन अगर वाटर के ड्रॉपलेट्स ऑयल के अंदर मौजूद हैं देन वो बनेगा वाटर इन ऑयल इमल्जन। ये थोड़े से डिफरेंस आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब आप अपने बुकलेट से पढ़ेंगे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। मेरे स्टेटमेंट बोलने से, सुनने से भी ज़्यादा जब आप लोग इसको राइट डाउन करके रीड करोगे और तस्वीर बना के समझोगे इनका डिफरेंस, तो आपको बहुत अच्छा सा क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल में, ऑयल इन वाटर के अंदर ऑयल को तेल में मिक्स किया जाता है, जबकि वाटर इन ऑयल के अंदर वाटर को ऑयल में मिक्स किया जाता है। या हम कह सकते हैं ऑयल इन वाटर में वाटर ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है और तेल कम क्वान्टिटी में होता है, तो ऑयल इन वाटर, जबकि वाटर इन ऑयल के अंदर वाटर कम क्वांटिटी में होता है ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, फिर इन्हें मिक्सअप किया जाता है। डिपेंड करता है कि ड्रॉपलेट्स किसके जो है कंटिन्यूस फेज कौन सा है और इंटरनल फेज कौन सा है। देन हमारा जो मकसद था इसको दोबारा रिवाइज करने का, वो है एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन। इमल्जन की हम कौन के प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, एक्सटेम्पोरेनियस। हमने कल एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन फ्रॉम बेसिक इंग्रेडिएंट इन रिटेल और हॉस्पिटल फार्मेसी इज कॉल्ड एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। देन इसमें हम कॉड लीवर ऑयल इमल्जन बना रहे हैं। कॉड लीवर ऑयल के अंदर क्या है, इंग्रेडिएंट्स हमें इस्तेमाल आएंगे कॉड लीवर ऑयल, इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो कॉड लीवर ऑयल ही है, क्योंकि कॉड लीवर ऑयल का ही हम इमल्जन बना रहे हैं। कॉड लीवर ऑयल हम 500 ml लेंगे, अकेशिया पाउडर हम 125 ग्राम लेंगे, टर्गा कैंथ पाउडर 7 ग्राम, बीटर आलमंड ऑयल 0.1 ग्राम, स्क्रीन सोडियम 0.1 ग्राम, क्लोरोफॉर्म 2 ml, प्योरीफाइड वाटर 2000 ml, ये जितनी ज़रूरत हमें उसके हिसाब से हम 1000 ml लेंगे। देन मेथड क्या होगा इसे, सबसे पहले हम जो फर्स्ट स्टेप जो हमने करना है इसके अंदर, टाइचुरेट कॉड लीवर ऑयल
विद अकेशिया एंड टर्गाकैंथ। जो फर्स्ट वाले हमने जो फर्स्ट टू इंग्रेडिएंट्स लिए थे उन्हें टाइचुरेट करना है। टाइचुरेट कॉड लीवर ऑयल विद अकेशिया एंड टर्गाकैंथ पाउडर एट 250 ml वाटर। उसमें 250 ml हम वाटर डाल देंगे एंड टाइचुरेट अनटिल क्रीमिंग एमल्जन इज़ फॉर्म्ड। यहाँ तक हम उसे मिक्सअप करते जाएंगे, रब करते जाएंगे, मिक्सअप करते जाएंगे कि क्रीमिंग एमल्जन जो है ना उसकी अपेयरेंस शो रहे। अच्छी तरह उसे मिक्सअप करते हुए, रब करते हुए, मिक्सअप करते हुए हम उसे टाइचुरेट करेंगे, देन उसके अपेरेंस जो है वो क्रीमिंग एमल्जन आ जाए, अच्छा सा मिक्स हो जाए वो। फिर स्क्रीन सोडियम इज डिजोल्व इन 2 ml ऑफ वाटर। हम थोड़ा सा पानी फिर लेंगे और उसके अंदर स्क्रीन सोडियम डालेंगे। स्क्रीन इसमें हम स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर डाल रहे हैं क्योंकि एंड एड इट आल्सो ऑन इट ऑन अ बैटर आलमंड ऑयल एंड क्लोरोफॉर्म इन इट। हम स्क्रीन सोडियम को 2 ml वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, बैटर आलमंड ऑयल एंड क्लोरोफॉर्म ऐड कर देंगे। ये पहले स्टेप में हमने क्या किया था, टाइचुरेट किया था कॉड लीवर ऑयल को विद अकेशिया एंड टर्गाकैंथ। यहाँ पे अकेशिया एंड टर्गाकैंथ एमल्सीफाइंग एजेंट एंड होते हैं ये दोनों। टर्गाकैंथ की जैसा मैंने बताया था कि थर्ड एजेंट डालने से जो है वाटर और ऑयल मिक्सअप हो जाता है या दो इमिजिबल लिक्विड मिजिबल बन जाते हैं जिनको हम एमल्सीफाइंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे अकेशिया एंड टर्गाकैंथ जो पाउडर हैं ये एमल्सीफाइंग एजेंट ही होते हैं। स्क्रीन सोडियम डिजोल्व करते हैं 200 ml वाटर में जो कि स्वीटनिंग इफेक्ट दे रही होती है। देन इसके अंदर हम बैटर आलमंड ऑयल एंड क्लोरोफॉर्म यूज़ करेंगे। और ये दोनों स्टेप करने के बाद, पहले स्टेप में हमने 3 चीज़ें मिक्सअप की थी, कॉड लीवर ऑयल, अकेशिया एंड टर्गाकैंथ और थोड़ा सा वाटर लिया था 250 ml। इसको अच्छी तरह ट्राइचुरेट किया था यहाँ तक क्रीमिंग एमल्जन जो है कंसिस्टेंसी आ गई थी। देन हमने स्क्रीन सोडियम को 2 ml वाटर में डिजोल्व किया पहले, फिर उसमें बैटर आलमंड ऑयल एंड क्लोरोफॉर्म डाल दिया। देन एड सफिशेंट वाटर, यहाँ तक कि हमने वाटर उसमें डालना है कि हमें 1000 ml का जो है क्वांटिटी है वो हासिल हो जाए, 1000 ml तक हमें क्वांटिटी हासिल हो जाए, हम उसमें इतना वाटर ऐड कर देंगे। स्टोरेज क्या होगी इसकी, ये सब स्टेप्स करने के बाद हमारे पास जो है कॉड लीवर ऑयल एमल्जन हासिल हो जाएगा। सिंपल, हमने पहले स्टेप के अंदर टाइचुरेट करना था कॉड लीवर ऑयल को अकेशिया टर्गाकैंथ को 250 ml वाटर डालकर अच्छी तरह टाइचुरेट किया, मिक्सअप किया, यहाँ के क्रीमी एमल्जन जो है कि अपेरेंस आ जाती है। फिर इसके बाद स्क्रीन सोडियम को डिजोल्व किया 250 ml वाटर के अंदर, देन बटर आलमंड ऑयल क्लोरोफॉर्म मिक्सअप कर दिया और यहाँ तक उसमें वाटर डाला कि उसकी 1000 ml जो है उसकी क्वांटिटी 1000 ml बन जाए। देन स्टोर करना है, इसे शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, जैसे हमने पढ़ा था वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर किया जाता है। यूज़ किस लिए किया जाता है, डेफिशिएंसी इन विटामिन ए एंड बी डेफिशिएंसी के अंदर यूज़ किया जाता है ये। देन टाइप्स ऑफ क्रीम्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रीम्स हमने क्रीम के बारे में पढ़ा था कि क्रीम क्या होती है। क्रीम आर सेमी सॉलिड एमल्जन डेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ये क्रीम का इंट्रोडक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल के अंदर, क्रीम क्या होती है। देन क्रीम क्या है, सेमी सॉलिड एमल्जन है डेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। क्रीम हमने पढ़ा था कि जो एमल्जन है वो ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर होता है जिसमें थर्ड एजेंट डाल के उसे मिजिबल बनाया जाता है। तो क्रीम स्टार्ट करने से पहले दोबारा से हम क्रीम के आगे प्रिपरेशन है, देन टाइप्स भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स की क्रीम है, ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। वैसे क्रीम की डेफिनेशन हम इस तरह ले सकते हैं, क्रीम्स आर सेमी सॉलिड एमल्जन फॉर एक्सटर्नल यूज़। 2 types ऑफ क्रीम्स आर अवेलेबल हुए, या हम कह सकते हैं कि दे आर डिवाइडेड इनटू 2 types ऑफ क्रीम्स, ऑयल इन वाटर टाइप जिसको हम एक्वस क्रीम कह रहे हैं या वैनिशिंग क्रीम कह रहे हैं, वाटर इन ऑयल टाइप जिसको हम ऑयल क्रीम कह रहे हैं या कोल्ड क्रीम कह रहे हैं। अब हम ऑयली क्रीम्स कौन क्या होती हैं, ऑयली क्रीम्स आर मोर ग्रेसी देन एक्वस क्रीम। क्रीम्स आर वेरी पॉपुलर फ्रॉम एक्सटर्नल मेडिकेशन, ये हमने पहले ये सारी चीज़ें स्टडी की हैं। फार्मास्यूटिकली कोल्ड क्रीम्स कैन बी यूज एज अ एमोलिएंट और एज अ बेस्ट टू अदर मेडिकेशन क्रीम, द क्रीम कैन बी प्रिपेयर बाय एक्सटर्नल फॉरेनियसली, ये हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोल्ड क्रीम जो होती है अमूमन जब सर्दी में ड्राइनेस आती है हम अप्लाई करते हैं, हर कोई अप्लाई करता है, लोशन अप्लाई करता है, क्रीम अप्लाई करता है। किस लिए अप्लाई करते हैं, हमें इमोलिएंट इफेक्ट चाहिए होता है, हमें मॉइस्चराइजिंग चाहिए होती है, ड्राइनेस को हमने ख़त्म करना होता है। तो ऑयली क्रीम के अंदर या कोल्ड क्रीम में सारी की सारी खसूसियत होती हैं जो हम आम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। इसकी डिटेल हम लोगों ने जो है लेक्चर 3 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। देन प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम, 50 ग्राम हम कोल्ड क्रीम तैयार करेंगे अभी एक्सटेम्परेनियसली हम तैयार करेंगे। इंग्रेडिएंट हमारे पास क्या हैं, वाइट बेस वैक्स है, लिक्विड वाइट बेस वैक्स हम कितनी लेंगे 10 ग्राम, लिक्विड पैराफिन 30 ग्राम लेंगे, बोरेक्स हम लेंगे 0.5 ग्राम, वाटर 9.5 ml।
हम इसके अंदर लेंगे। दैन मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरह स्टेप्स से हम गुजरते हुए इसको बनाएंगे। वॉश करना है एंड ड्राई करना है। वॉश एंड ड्राई द पिस्टल एंड मोटर। पहले हम मोटर एंड पिस्टल को हम धोकर अच्छी तरह वॉश करके रख लेंगे। आपने देखी होगी पोर्सिलिन की बनी हुई मैंने मोटर एंड पिस्टल आपको दिखाई थी, जैसे ग्लास की बनी हुई भी होती है, मोटर की मेटल्स की बनी हुई भी होती है, लेकिन मैंने आपको पोर्सिलिन की बनी हुई लैब से मंगा के मोटर एंड पिस्टल दिखाई थी। आगे वैसे इसकी तस्वीर भी है, आपको याद आ जाएगा। उसको अच्छी तरह वॉश करना है एंड ड्राई करना है, प्रिपेयर करना है टू जो है प्रिपरेशन टू सॉल्यूशंस इन टू बीकर्स। हमें दो स्टेप्स में इसको बनाने हैं, हमने दो बीकर्स लेने हैं इसके लिए, ठीक है। हमने दो सॉल्यूशन तैयार करने हैं। इन फर्स्ट बीकर टेक 9.5 ml ऑफ वाटर एंड 80.5 g बोरेक्स। हमने पहले स्टेप में पानी में बोरेक्स हल कर देना है जो हमारे पास मौजूद है, एंड हीट करना है इस सॉल्यूशन को 60 to 70 सेंटीग्रेड तक। दो स्टेप पे हम इसको हैं इसको बनाने के। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो बीकर होंगे, उनमें पहले बीकर के अंदर हम क्या करेंगे 9.5 ml लेकर उसमें 0.5 g बोरेक्स लेंगे और उसे मिक्सअप करके उसे हीट करेंगे 60 to 70 सेंटीग्रेड। देन सेकंड बीकर जो हमने लिया है उसके अंदर हम बी वैक्स लेंगे 10 g जो हमने बताई है, और लिक्विड पैराफिन 30 mg। यहाँ पर हम लिक्विड पैराफिन एंड बी वैक्स लेकर दोनों को एंड हीट इट अप टू 60 to 70 इसे फिर हम हीट अप कर लेंगे अनटिल मेल्टेड इन लिक्विड, कि वो लिक्विड में तब्दील हो जाए। पहले स्टेप में हमने क्या किया, बोरेक्स लिया और उसको वाटर में डिजॉल्व करके उसे हीट किया है 60 to 70 सेंटीग्रेड तक। देन सेकेंड स्टेप में हमने पैराफिन लिया, लिक्विड पैराफिन एंड बी वैक्स लिया है और उसे हीट किया है 60 to 70 सेंटीग्रेड, यहाँ तक कि वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाए लिक्विड फॉर्म में आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर आ रहा होता है। देन क्या करना है, नाउ पुट द सेकंड सॉल्यूशन इन पेस्टल एंड मोटर। जो हमने पैराफिन और वैक्स जो ली थी उसको हमने मिक्स करके हीट किया था कि लिक्विड फॉर्म में आ जाए, उसको हमने क्या करना है मोटर एंड पेस्टल में डाल देना है, मोटर में डाल देना है एंड एड फर्स्ट बीकर सॉल्यूशन, और फिर हमने बोरेक्स एंड वाटर का जो सॉल्यूशन बनाया था उसको हमने डालना है इनटू इट पोर्शन वाइज, थोड़ा थोड़ा करके हम डालते रहेंगे उसे, एंड सैचुरेट इट अंटिल द होल सॉल्यूशन इज कंज्यूम्ड एंड होमोजेनाइज। ऐसे तो ऐसा मिक्सअप करते रहेंगे और उसे डालते रहेंगे इट विद पिस्टल एंड मोटर। हम ऐसे उसे मिक्स करते रहेंगे मोटर की मदद से, मोटर एंड पिस्टल की मदद से, एंड देन वो होमोजेनाइज हो जाए, मिक्सअप हो जाए आपस के अंदर इसकी, और हमारे पास अच्छा जब हम मिक्स कर लेंगे उसे तो हमारे पास क्रीम जो है हासिल हो जाएगी, जो कि सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, हमने पढ़ा था। स्टोरेज में क्या है, इन वेल क्लोज्ड कंटेनर इसे स्टोर करना है। यूज़ क्या है, अप्लाई इट इन ड्राई स्किन सेवरल टाइम्स ऑन अ डे, क्योंकि सर्दियों में जैसे मॉइस्चराइजिंग ज़रूरत होती है, तो मॉइस्चराइजर हम इसे यूज़ करते हैं। अमोलियंट एजेंट के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें देखिए बी वैक्स भी है, पैराफिन भी है, जो कि अमोलियंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसमें वो इंग्रेडिएंट हैं जो अमोलियंट्स आपकी स्किन को नरम मुलायम बना सकते हैं, या जो है मॉइस्चर आपके मॉइस्चराइज कर सकते हैं आपकी स्किन को। तो ये हमारे पास कोल्ड क्रीम हासिल हो गई, 50 g कोल्ड क्रीम की रेसिपी हमने पढ़ ली है कि किस तरह हम तैयार कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर भी मैंने आपको समझा दिया है। देन देखें आप तस्वीरें देखें, तस्वीरों से आपको मोर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट में देखें हम जो है फर्स्ट वाले स्टेप के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था कि हमने पहले बीकर के अंदर 9.5 ml वाटर के अंदर 0.5 g बोरेक्स ऐड किया था। पहले में हमने वाटर में बोरेक्स, फर्स्ट तस्वीर में बीकर में हम बोरेक्स ऐड करें वाटर के अंदर, देन हम जो है पैराफिन को बी वैक्स में मिला के मेल्ट करेंगे इसको। मेल्ट करने के बाद हम लोगों ने जब वो मेल्ट हो जाएगी तो हम जो पैराफिन एंड बी को मेल्ट करने के बाद हम उसे मोटर में डाल देंगे। देन हम फर्स्ट बीकर वाले जो हमने डिसॉल्व किया था और हीट अप किया था उसे मिक्स करेंगे, और अच्छा सा उसे मिक्स करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, कि हमारे पास क्रीमी कंसिस्टेंसी आ जाएगी और अच्छी तरह वो मिक्सअप भी हो जाएगा। देन हम उसे जो है वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, ये जार के अंदर जो क्रीम जार्स आते हैं उसके अंदर हम उसे सेव कर लेंगे, और ये हमारी एक अमोलियंट क्रीम जो है वो तैयार हो गई, जिसे हम ड्राई स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह हम लोग अमल्जन एंड क्रीम जो है एक्सटेम्पोरेनियसली तैयार कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ पेशेंट।
यही हमने पढ़ा था ना कि एक्सट्रापरेनियसली कंपाउंडिंग जो प्रिपेशन वहाँ पे होती हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिमांड होती हैं, अगर कमर्शियली हमें अवेलेबल ना हो तो हम फिजिशियन के कहने पर या फिर अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया इंस्ट्रक्शंस के उन्हें हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर स्मॉल स्केल के ऊपर पेशेंट डिमांड के मुताबिक तैयार कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसे लेक्चर नोटबुक पे जो है राइट डाउन कर लीजिएगा। इसी तरह जिस तरह इंग्रेडिएंट्स बताए हैं मैंने, इंग्रेडिएंट्स एंड देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसी तरह करके कीजिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बार बार ये रिपीट नहीं करवाई जाएगी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब आप लोग करेंगे तो ये आपको हेल्प डाउन करेगी। इसलिए से इनको आपकी बुक में भी मेंशन है, वैसे ये तमाम मेथड आपकी बुक में भी मेंशन है, आप वहाँ से भी देख के कर सकते हैं, यहाँ से भी आप देख के लिखेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर। अपना टाइम देंगे, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।